गोरखपुर के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपने विकास कार्यों के बारे में पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 2017 में लगभग 6000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था और वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5000 जोड़ों को इससे लाभान्वित करने की योजना है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, 51,000 में आज तक उत्तर प्रदेश में इसमें आपको दिया है उसे 54,807 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें ये पूरे प्रदेश भर का है। तो हम आगे बढ़ करके भी इसको काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में हमने फिर टारगेट दिया है। पिछले टारगेट 9 फरवरी को दिया था कि हम पूरे प्रदेश भर में 10,000 शादी कराएंगे, 10,000 जोड़ों का, लेकिन आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से 10,000 मैंने किया था और 16,000 जोड़ों का शादी हो गई। अब मैंने 14 नवंबर को भी दिया है, 21,000 शादी उत्तर प्रदेश में एक साथ कराएंगे। हमको आप सबका सहयोग चाहिए, इससे लगता है कि हमारा आगे बढ़ेगा। गरीब कन्याओं का जो भी अपने बेटी के शादी कराने में अक्षम होते थे, उत्तर प्रदेश की और माननीय योगी जी की सरकार उस काम को आगे बढ़ा रही है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती थी पिछली सरकारों में, हमने देखा है ये 14-15 लाख से ज़्यादा बच्चे नहीं देवे, लेकिन आज के तारीख में अब तक जो हुआ है वो 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने छात्रवृत्ति दिया है। और अभी फिर हम लोग 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को ये छात्रवृत्ति जो नया देने वाला है, अभी तब तक अच्छी स्थिति